हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि एक ही इसका सेंटर पॉइंट जो होगा, सेंटर जो होगा सेम होगा, ठीक है। रेडियाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखा है दोनों का 1 बाय, यानी कि इसका बड़े वाला का कितना 5 होगा, इसका कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर, यानी कि इस लार्जर का, ठीक है, और विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, यानी कि इसके क्या है स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डायग्राम बना लेता हूँ पहले, इसका क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो यानी कि टच कर रहा है ये कोड, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है, क्या बना दिया है ये, ठीक है, कोड जो, हाँ ये हमारा क्या आ गया, कोड हो गया, मैंने कोड ड्रॉ कर दिया जो स्मॉल सर्कल को क्या टच कर रहा है। अब देखो यहाँ से, और हमें क्या बोला है कि टच इज, ठीक है, और हमारा टू को, ठीक है, अब देखो यहाँ से कि जो हमारा इसका इसका जो रेडियस है इसका कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एक ये हो गया रेडियस और एक ये, हाँ। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा ये कितना हो गया, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये हमारा सेंटर ओ हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ठीक है। अब देखो ये कितना दे रखा है 3 और ये दे रखा है 5, ठीक है, ये हमारा 5 रेडियस है, 5 सेंटीमीटर, और इसका जो छोटे वाला का स्मॉल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो गिवन है, अब हमें सॉल्व क्या करना, हमें फाइंड करना है ये पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें सोल्यूशन पे चलता हूँ, जो हमारा ओ ए जो है किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो रेडियस है, रेडियस है किसके परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो मैं राइट हैंड ट्रायंगल है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, यहाँ पे अप्लाई करूंगा पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इन ट्रायंगल किस में, पी ओ ओ पी ए, कुछ भी बोल लो, पी ओ पी ए, ठीक है, या फिर ओ ए पी ओ पी ए ओ, ठीक है, ट्रायंगल, इसमें हमें क्या करना है पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो साइड दे रखा है, तो एक साइड हमारा निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो ओ पी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर प्लस में किसका, पी ए का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास देखो यहाँ पे ओ पी की वैल्यू कितना दे रखा है, ओ पी की वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, पी ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, ये 9, ये आ गया 25 प्लस पी ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो -9 पी ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, रूट लगाऊंगा दोनों साइड, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि हमारा पी ए इज इक्वल टू, या इसका निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा पी ए की वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड कर दिया, पी ए की वैल्यू हमारा ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू हमें निकालना है। तो अब देखो जो हमारा पी ए, अब देखो यहाँ से कि जो हमारा पी ए इज इक्वल टू क्यू ए होगा, इज इक्वल टू 4, क्यों, रीजन क्या होगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कोड को, ठीक है, ये हमारा जो परपेंडिकुलर जो है, यानी कि ये हमारा साइड कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल्स में, यानी कि ये जितना ये होगा उतना भी ये ही होगा, तो यानी कि हमारा क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो गया, और हमारा पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस क्या है ए क्यू, तो हमारा पी ए की वैल्यू कितना है,
फोर, और हमारा ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितना होगा फोर, यानी कि हमारा पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड, देयर फोर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।